की क्लास में आपका स्वागत है बेटा। अभी अपन ने इसके पहले लोकतंत्र पढ़ा, लोकतंत्र के बाद अपन ने संविधान पढ़ा, अब अपन बेटा संविधान के बाद अब पढ़ेंगे अपन चुनावी राजनीति। तो चुनावी राजनीति क्या होती है ना? चुनाव से आप भलीभांति परिचित है बच्चों, है ना? किसी भी नियमित अंतराल में एक चुनाव होते हैं। दुनिया में सबसे अधिक रास्ते ऐसे हैं जहां पर जनप्रतिनिधियों को मतलब चुनने के लिए चुनाव होते हैं। यहाँ पर यह भी जानते हैं कि अनेक देशों में लोकतांत्रिक मतलब जो देश है लोकतांत्रिक नहीं है वहाँ भी चुनाव होते हैं। मतलब जो कई ऐसे भी देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है लेकिन वहाँ चुनाव होते हैं। हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना करें तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं। यहाँ हमें जनप्रतिनिधियों वाले लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत मानी जाती है और चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। मतलब आपको चुनाव मतलब आवश्यक है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। मतलब जनता मैंने बताया था कि लोकतंत्र में सबको अपना नेता चुनने का जनप्रतिनिधि, तो लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, ये लोकतंत्र की परिभाषा थी बेटा। जनप्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार किसको है? जनता को। तो चुनावी जो राजनीति प्रक्रिया है वो किसके लिए है? मतलब अगर जनता नहीं होगी तो चुनाव कैसे, है ना? तो जनता ही मतलब अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदान कई तरह से चुनाव करते हैं। चुनाव की जरूरत क्यों होती है? बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना करना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में के माध्यम से हमारे प्रतिनिधि लोकतंत्र के चुनाव की जरूरी माना जाता है और चुनाव में मतदान कई तरह से चुनाव करते हैं। तो वे अपने लिए कानून बनाने पर चुनाव कर सकते हैं, सरकार बनाने का बड़ा फैसला करने पर चुनाव कर सकते हैं, कानून दिशा निर्देश वाली पार्टी चुनाव करा सकते हैं। चुनाव का आशय होता है राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता। तब वे कानून बनाने का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने पर बड़ा फैसला करने पर कर सकते हैं, कानून दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव भी क्या कर सकते हैं। फिर चुनाव का आशय होता है राजनीतिक प्रतिद्वंदी मतलब जो प्रतियोगिता होती है या प्रतिद्वंदी होती है। प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। मतलब जो प्रतियोगिता होती है वह कई तरह, तो स्पष्ट रूप से राजनीतिक पार्टियों के बीच क्या होती है? प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्र में इसका स्वरूप उम्मीदवार के मतलब बीच क्या होती है? प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता ही, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो एक प्रकार से चुनाव क्या है? प्रतिद्वंद या प्रतिक्रिया है। लोकसभा में विधान मतलब चुनाव दो प्रकार के हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कैसे होते हैं? 5 साल, ये बच्चों सभी को पता है कि चुनाव 5 वर्ष बाद होते हैं। मतलब जो चुनाव का जो वो है कार्यकाल है वो कितना है? 5 वर्ष का है। तो जो आप एक विधायक का समझ लो, पार्षद का समझ लो, महापौर का समझ लो, जिनका कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने? 5 साल में एक बार होते हैं। लोकसभा और विधानसभा जब भंग हो जाती है तो सभी चुनाव क्षेत्रों में छोटे छोटे अंतराल में अलग अलग क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं, तो इसको आम चुनाव भी कह सकते हैं। कई बार एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो कि सदस्य मतलब मान लीजिए एक क्षेत्र है जहाँ पर वहाँ का विधायक मर गया, पार्षद मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो इस स्थिति में वहाँ पर क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। मतलब लोकसभा और विधानसभा भंग होने पर सभी क्षेत्रों मतलब चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन में छोटे छोटे अंतराल में अलग अलग चुनाव होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आम चुनाव कहते हैं। और अगर किसी मतलब किसी प्रतिनिधि या किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस स्थिति में मतलब वहाँ पर वो क्षेत्र खाली है तो वहाँ के लिए क्या होते हैं? उपचुनाव होते हैं। फिर चुनाव के लिए देश में कितने 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। मतलब जो चुनाव लोकसभा चुनाव के लिए जो लोकसभा चुनाव है उसे 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। क्षेत्र में चुनाव
चुने गए जो जो चुनाव में चुने जाते हैं वह प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं, है ना, सांसद कहते हैं। तो क्षेत्र में मतलब एक उसमें एक एक प्रदेश में मतलब अपने यहाँ के सांसद कौन है? जबलपुर के राकेश से, है ना। फिर लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता कि हर वोट का बराबर मूल्य, मतलब जो लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता यह है कि हर एक वोट का मूल्य कैसा होता है? बराबर होता है। और संविधान में व्यवस्था में हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं को संख्या में काफी हद तक एक समान हो, मतलब जो मतदान हो वहां पर कैसा हो काफी हद तक एक समान होना चाहिए। फिर उसके बाद बेटा कि चुनाव प्रक्रिया कैसी हो, इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में उस राज्य की विधानसभा सीट के हिसाब में बांटा गया है। सीटों का निर्वाचन मतलब जो होता है प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं, मतलब इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में उसकी विधानसभा मतलब विधानसभा जो सीट होती है सीटों के हिसाब से बांटा गया है। तो उस सीटों का निर्वाचन प्रतिनिधियों की विधायक मतलब जो उस सीट पर जो आप विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है अगर वह निर्वाचित होता है तो वह प्रतिनिधि क्या कहलाता है? विधायक कहलाता है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई बार निर्वाचन क्षेत्र जैसे पंचायत हो गया, नगर पालिका के चुनाव हो गए, यही तरीका अपना मतलब जो भी चुनाव होंगे मतलब प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचक क्षेत्र होते हैं जिसमें पंचायत का मतलब मान लो पंचायत का चुनाव हो गया, नगर निगम का चुनाव हो गया, नगर पालिका का चुनाव हो गया। तो ये पद्धति हर चुनाव में इसी तरीके को अपनाया जाता है। पंचायत में कई छोटे छोटे निर्वाचक मतलब जो पंचायत होती है उसे कई भागों में बांटा जाता है और उसके छोटे छोटे क्या होते हैं? निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक वार्ड के पंचायत नगर पालिका के लिए एक संसद चुनना सदस्य चुनना होता है जो निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति कहा जाता है। तब जो नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति उसे क्या होता है? एक उनको एक सदस्य आप पान मतलब दो प्रतिद्वंदी है बेटा तो अपन एक ही चुन पाएंगे ना, वोट तो सभी देंगे पर जो मतलब मतों से विजयी होगा वही वहाँ का क्या सदस्य क्या होगा? निर्वाचित होगा। हर क्षेत्र सांसद विधानसभा एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है मतलब हर क्षेत्र में। हम कह सकते हैं कि लोक दल के मतलब एक लोक दल है मान लीजिए हरियाणा का, वहां पर 6 सीटें थी और इसका मतलब हुआ विधानसभा के 6 निर्वाचक मतलब वहां पे जो लोक दल था वहां 6 के 6 लोग जीत गए। तो वो क्या हो गए? वो कहां पहुंच गए? राज्य विधानसभा में पहुंचे। तो वो 6 के 6 जीते तो वो क्या कहलाएंगे? उस क्षेत्र के पूरे 6 विधायक कहलाएंगे जो विधानसभा क्षेत्र से जीते। फिर हमारे संविधान निर्माता ने मतलब कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था सूची चुनाव क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की है। मतलब चुनाव में भी आरक्षण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को पहले से क्या किया जाता है? आरक्षित कर दिया जाता है। केवल उन आरक्षित सीटों में, तो मान लीजिए अनुसूचित जाति का जो क्षेत्र है वहां पर अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ सकता है और अनदर कोई नहीं, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अनुसूचित जनजाति व्यक्ति चुनाव जनजाति के लिए चुनाव मतलब अलग अलग जो उनको क्षेत्र उनको निर्धारित किए हैं उस मतलब उस जाति के आधार पर ही उस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ पाएंगे। फिर लोकसभा में जो आपको बता दूं 26 जनवरी 1919 की स्थिति में है, पूरी सीधी आवाज है 84 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए क्या थी? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या थी? आरक्षित है। और पूरी आबादी में इन समूहों को हिस्से के अनुपात में मतलब पूरी आबादी में हिस्से फिर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जन आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से से कुछ नहीं लेती, मतलब उनके लिए सीट निर्धारित है वो किसी अन्य समूह से फिर कुछ नहीं लेती, केवल वो अपने मतलब दायरे में मतलब उसमें अपने ही क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं। सबसे अधिकांश लोग सीट उत्तर प्रदेश मतलब जो सीटें हैं लोकसभा की जो सीटें हैं
सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं और जो दिल्ली जैसा शहर है वहां पर 7 है। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले सूची होती है जो मतदाता सूची कहलाती है। मतलब लोकतांत्रिक चुनाव में मतदाता की योग्यता रखने वाले उनकी आयु कितनी वर्ष होती है, 18 वर्ष होती है। और उस सूची में जो नाम होता है मतलब जो सूची बनती है उसे क्या कहते हैं, मतदाता सूची कहते हैं। उसके ऊपर उम्र सही नाम चुनाव में वोट डालने वाले नागरिकों की जाति, धर्म, लिंग चाहे कोई भी हो उसे मतदाता, जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, उससे मतलब कुछ नहीं, केवल उसे क्या करना है, मत देना है। तो ये उसे मत देने का क्या है, अधिकार है। वो कोई भी जाति का हो पर उसको चुनाव में मत। फिर जो प्रत्याशी होते हैं अपराधी, मतलब जो चुनाव के लिए मतलब वोट देने के लिए अपराधी और दिमागी जिनका असंतुलन खराब है, कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार से क्या कहते थे, मतलब दिवालिया, आधे दिमाग के होते हैं, जो पागल होते हैं, आपराधिक तत्व होते हैं, इनको वोट देने का अधिक मतलब वोट देने के अधिकार से क्या किया जाता है, वंचित रखा जाता है। लेकिन सिर्फ बेहद काफी खास स्थितियों में ऐसा होता है। ये सक्षम मतदाता का नाम मतदाता सूची में व्यवस्था करना जिम्मेदारी है। हर 5 वर्ष में मतलब जब भी चुनाव होगा 5 वर्ष में, तो हर 5 वर्ष में क्या होता है, मतदाता सूची का क्या होता है, आपको नवीनीकरण किया जाता है, ऐसा मतदाता सूची में एकदम ताजा रखने के लिए। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में मतलब जब पिछले कुछ वर्षों से आप देखोगे आपको एक पहचान पत्र मिल रहा है, जिसे अपन कहते हैं वोटर आईडी, है ना। तो उसको अपन को जो पहचान पत्र मिलता है उसमें फोटो लगी होती है अपनी, तो पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में छोटे पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को वोट देने तथा समय मतदाता को पहचान पत्र रखना क्या हो गया है, आवश्यक हो गया है। फिर है किसी भी स्थिति में एक वोट को दूसरे मतलब कोई भी इस स्थिति में किसी दूसरे का वोट कोई न डाल दे, इसलिए मतदान के लिए आपको अनिवार्य रूप से मतदाता के लिए कार्ड अनिवार्य हुआ है। वोट देने के लिए आपको आप राशन कार्ड भी ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हो और आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र भी दिखाकर आप वोट दे सकते हो। उम्मीदवार का नामांकन लोकतांत्रिक जो उम्मीदवार है उसका नामांकन कैसे करना है, जो चुनाव में खड़ा हो रहा है, लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की मतलब उनमें कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति मतदाता है उम्मीदवार भी हो सकता है। फिर उसके बाद आपको बता दूं सिर्फ कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में क्या कर सकता है, मतलब जब 18 वर्ष पूरी कर लेगा तो उसे क्या बार होगा, वोट डालने का क्या होगा, अधिकार होगा। वोट डालने का अधिकार होगा, अधिकार हो जाता है जबकि उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है, मतलब अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है। और आपराधिक वगैरह मतलब रोकने के लिए राजनीतिक दल उम्मीदवार मतलब उसके पास उसके ऊपर जो चुनाव लड़ना चाहता है उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, पार्टी का चुनाव चिन्ह और उसको पार्टी से क्या मिलता है, समर्थन भी, मतलब वो पार्टी जिस पार्टी से लड़ रहा है उसका उसको समर्थन और दोनों चुनाव चिन्ह दोनों क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जिसे जो चुनाव लड़ रहा है उम्मीदवार है पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, टिकट कहते हैं। मतलब जो चुनाव लड़ना चाहता है पार्टी जिसको अपना पार्टी चिन्ह और समर्थन देती है उसको क्या कहते हैं, बोल साधारण मनोनयन की भाषा में उसको टिकट कहते हैं। कि कहते हैं ना भैया उसको टिकट मिल गई तो उसको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी जाती है। हर उम्मीदवार का नामांकन पत्र बनना पड़ता है, मतलब जब आपको टिकट मिल जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी आपकी तो सबसे पहले आपको नामांकन भरना पड़ेगा। और हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश ने मतलब अभी आपको बता दूं सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया कि उम्मीदवार को एक घोषणा पत्र में
घोषणा भरने पर नई प्रणाली शुरू में हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरा देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है कि प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों से सारे विवरण देने होते हैं। तो न्यायालय के निर्देश से उम्मीदवार को एक घोषणा पत्र भरना होता है, उसमें अपने बारे में उसको पूरा ब्यौरा देना पड़ता है, वैधानिक घोषणा करनी पड़ती है कि प्रत्येक उम्मीदवार इन मामलों को, मतलब उम्मीदवार के खिलाफ मतलब कोई गंभीर मामला ना चल रहा हो, आपराधिक मामला ना हो, उम्मीदवार को परिवार के सदस्यों की संपत्ति एवं देनदारियों का ब्यौरा भी उम्मीदवार को देना होता है, उस अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं सूचियों में सार्वजनिक रूप से किया जाना चाहिए, जिससे मतदाता को उम्मीदवार द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर फैसले करने का मौका मिले। मतलब जो उम्मीदवार है, जो चुनाव में खड़ा हुआ, जनता उसे, मतलब मतदाता को उम्मीदवार द्वारा जो खुद के बारे में सूचना के आधार पर, मतलब जो जनता होती है उसे फैसला लेने का मौका मिल सके। बच्चों, याद अपन ने मतदाता के बाद, मतलब उम्मीदवार मतदान कैसे किया जाता है, मतदान डालने की उम्र क्या है, मतदान और नामांकन कैसे भरते हैं, और उम्मीदवार को क्या करना चाहिए नामांकन भरने के लिए, उसके बारे में पढ़ा। अब अगली बार अपन पढ़ेंगे बेटा, मतलब जो चुनाव कैसे किए जाते हैं और कराए जाते हैं, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।